हेलो इट्स एस एस टू राइट टू रॉक योर डे और एश वर्सेस टोबियास सुनने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जैसे मेरे दिमाग में तो आता है कि कैसे सेप्टाइल ने डार्क राइक हो रहा था। दैट वाज रियली एन इंटरेस्टिंग मोमेंट, बहुत ही इंप्रेसिव था क्योंकि डार्क राइक को आज तक कोई नहीं हरा पाया था। पूरे उसने सिनो के जिम्स को हरा दिया था सिंगल हैंडेडली, पूरी लीग को हराया था और डार्क राइक को हरा दिया सेप्टाइल ने, एक मिथिकल पोकेमोन को। टायला फील्ड में भले उस पर नाइटमेयर अटैक हुआ है, ड्रीम ईटर अटैक हुआ है, उसने लीफ प्लेट से सामने खड़े डार्क राइक को हरा दिया। सारा प्रेज सेप्टाइल के लिए। यहाँ पर क्या आपको पता है कि सेप्टाइल ने अकेले डार्क राइक को नहीं हराया, उसमें ज्यादा उतना ही या उससे ज्यादा बड़ा हाथ था हेराक्रॉस का। तो जब एश वर्सेस टोबियास स्टार्ट हुआ तो टोबियास ने ऑब्वियसली डार्क राइक को भेजा और एश ने भेजा था हेराक्रॉस को। हेराक्रॉस जो कि एक बग टाइप पोकेमोन था, वो डार्क टाइप के खिलाफ एडवांटेज रखता था। हेराक्रॉस ने अपनी मूव यूज करी मेगा हॉर्न। अब मेगा हॉर्न एक्चुअली में बहुत ही पावरफुल मूव है, बग टाइप की दी पावरफुल मूव है, मतलब वन ऑफ द या फिर सबसे ज्यादा पावरफुल मूव है, क्योंकि उसकी बेस पावर 120 है। क्योंकि वो मूव फिजिकल है तो उसमें और एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि हेराक्रॉस का फिजिकल अटैक 125 है जो कि बहुत ज़्यादा है, और मूव का भी पावर 120 है जो कि बहुत ही ज़्यादा माना जाता है पोकेमॉन वर्ल्ड में। और उससे उसने हिट किया डार्क राइक को, एक सुपर इफेक्टिव 120 बेस पावर की मूव, यानी कि 240 मान के चलिए, और हेराक्रॉस का 125 अटैक भी उसमें ऐड कर दो, जिसने डार्क राइक को बहुत डैमेज किया होगा। भले दिखाया नहीं गया होगा पर उसका काफ़ी ज़्यादा पार्ट हेराक्रॉस ने ही डैमेज किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेप्टाइल का हाथ नहीं था, सेप्टाइल का भी उतना या फिर उससे ज़्यादा ही हाथ होगा, मैं मानता हूँ उससे ज़्यादा ही हाथ है, पर एक्चुअली में हेराक्रॉस का भी बहुत मेजर पार्ट है उसमें, जिसका उसको कभी भी प्रेज नहीं मिला। आफ्टर री वॉचिंग दिस एपिसोड दिस मैच, मुझे लगा कि हाँ हेराक्रॉस को थोड़ा सा तो प्रेज मिलना चाहिए उसका जितना सेप्टाइल को मिला है। मुझे लगा मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं बताऊँ कि सेप्टाइल ने अकेले ने नहीं किया यार, हेराक्रॉस ने बहुत मदद की थी उसकी, वो दोनों का टीम वर्क ही था जो कि डार्क राइक को निपटा दिया। इंडिया हियर गोज द वीडियो, पसंद आए तो डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड बाय बाय।